नारद जी ने पूछा, भगवन, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम तत्वज्ञ हैं, अतः इस तत्व को बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना आरंभ किया। भगवान नारायण बोले, नारद, पहले सत्य युग की बात है। राजा केदार सातों द्वीपों के अधिपति थे। ब्राह्मण वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे और अपनी स्त्रियों तथा पुत्र पौत्र वर्ग के साथ सानंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का पुत्रों की भांति पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्रपद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्तिक कर्म श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही होता था। केदार के समान राजाधिराज न तो कोई पहले हुआ है और न पुनः होगा ही। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी तथा राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर रखकर जैगी शव्य मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे श्री हरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर उन्हीं का चिंतन करते थे। मुने, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां मरे हुए प्राणी को तत्काल मुक्ति लाभ होता है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी की अंश थी। उसने योग शास्त्रों में निपुण होने के कारण किसी को अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। तब उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी, तुम मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां राधा के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। वृंदा ने जहां तप किया था, उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ। अथवा वृंदा ने जहां क्रीड़ा की थी, इसलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो, जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान दो। राजा कुशध्वज के दो कन्याएं थी, दोनों ही धर्म शास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है, उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु देववश दुर्वासा के शाप से उसने शंखचूड़ को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के शाप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के शाप से श्री हरि शालग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्षे स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। मुने, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, तथापि यहाँ प्रसंगवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गई। तपोधन उस तुलसी की तपस्या का एक यह भी स्थान है, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा हूँ, जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधा के 16 नामों में एक
वृंदा नाम भी है जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारिणी राधा का यह रमणीय क्रीड़ावन है, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर भूतल पर उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट हुआ वह वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगा। नारद जी ने पूछा, जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें बताइए, उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। मैंने साम वेद में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, तथापि इस समय आपके मुख से उनके 16 नामों को सुनना चाहता हूँ। विभो, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं या उनसे भिन्न हैं? अहो, उन भक्त वांछित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे वर्णन कीजिए, साथ ही उन सब की व्युत्पत्ति भी बताइए। जगत के आदि कारण जगन माता श्री राधा के उन सर्व दुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना, ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्रों नामों के ही अंतर्गत हैं। राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि तथा रा दानवाचक है। जो स्वयं निर्वाण प्रदान करने वाली हैं, वे राधा कही गई हैं। रासेश्वर की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा है, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता हैं, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं, तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, अतः कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि हैं, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, ण उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसलिए कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी कही गई हैं। अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और अकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र तथा नखचंद्र की अवली से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण उन्हें चंद्रावली कहते हैं। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, अतः श्री हरि हर्षो उल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरद काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरद चंद्र प्रभानना कहा है। यह अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नाम वाली कही गई, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया
और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न चित से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुने, यह राधा का परम पुण्यमय स्तोत्र है जिसे मैंने तुमको दिया। महामुने, जो वैष्णव न हो तथा वैष्णवों का निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है उसकी यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अंत में वह उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि सिद्धि को पाकर सदा उन प्रिया प्रियतम के साथ विचरता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत दान और उपवास से चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान तथा सेवन से संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से शरणागत की रक्षा से अज्ञानी को ज्ञान देने से तथा देवताओं और वैष्णवों का दर्शन करने से भी जो फल प्राप्त होता है वह इस स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभो, यह सर्व दुर्लभ परम आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ। देवी श्री राधा का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया था वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की विचित्र कथा सुनकर आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्य को सुनना चाहता हूँ उसका वर्णन कीजिए। मुने, वृंदावन में प्रातःकाल उस अद्भुत नगर को देखकर गोपों ने क्या कहा? भगवान श्री नारायण बोले, नारद, जब वहाँ रात बीत गई, विश्वकर्मा चले गए और अरुणोदय की बेला आई तब सब लोग जाग उठे। उठते ही सबसे विलक्षण उस नगर को देख ब्रजवासी आपस में कहने लगे, यह क्या आश्चर्य है, यह क्या आश्चर्य है। किन्हीं गोपों ने कुछ अन्य गोपों से पूछा, यह कैसे संभव हुआ, न जाने भूतल पर किस रूप से कौन प्रकट हो सकता है। परंतु नंद राय जी गर्ग के वाक्यों का स्मरण करके मन ही मन सब कुछ जान गए। उन्होंने भीतर ही भीतर विचार किया, यह समस्त चराचर जगत श्री हरि की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है, जिनके भ्रू भंग की लीला मात्र से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत आविर्भूत और तिरोभूत होता रहता है। उनके लिए क्या और कैसे असाध्य है। अहो, जिनके रोम कूपों में ही सारे ब्रह्मांड स्थित है, उन परमेश्वर महाविष्णु श्री हरि के लिए क्या असाध्य हो सकता है। ब्रह्मा, शेषनाग, शिव और धर्म जिनके चरणार विंदों का दर्शन करते रहते हैं, उन माया मानव रूपधारी परमेश्वर के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो असाध्य हो। नंद जी ने उस नगर में घूम घूम कर एक एक घर को देख देख कर और वहां लिखे हुए नामों को पढ़कर सबके लिए घरों का वितरण किया। नंद और वृषभानु ने शुभ मुहूर्त देख कर प्रवेश कालिक मंगल कृत्य का संपादन करके अपने सेवक गणों के साथ अपने अपने आश्रम में प्रवेश किया। वृंदावन में रहकर उन सबके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन सब गोपों ने बड़े आनंद के साथ अपने अपने उत्तम आश्रम में पदार्पण किया। अपने अपने मनोहर स्थान पर सब गोपों को बड़ा आनंद मिला। वहां के बालक और बालिकाएं हर्ष पूर्वक खेलने कूदने लगी। श्री कृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश गोप शिशुओं के साथ वहां प्रत्येक मनोहर स्थान पर बालोचित क्रीड़ा करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने नगर निर्माण का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वन में गोप बालाओं के लिए जो रास मंडल बना था उसकी भी बात बताई। श्री वन के समीप यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों का
ग्वाल बालों सहित श्री कृष्ण को भोजन देना तथा उनकी कृपा से गोलोक धाम को जाना, श्री कृष्ण की माया से निर्मित उनकी छायामयी स्त्रियों का ब्राह्मणों के घरों में जाना तथा विप्र पत्नियों के पूर्व जन्म का परिचय। नारद जी बोले, मुनि श्रेष्ठ ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, आप मुझे श्री कृष्ण लीला अमृत का पान कराइए। भगवान श्री नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ ले श्री मधुवन में गए। वहाँ यमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालकों सहस्त्र गौ के साथ वहाँ विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे थक गए और उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब सब गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया हमें बड़ी भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो क्या करें। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दया निधान श्री हरि ने उनसे ये हितकर तथा सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, बालकों जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहाँ जाओ, जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी आंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे सब निष्प्रह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं, परंतु माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ हूँ। मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर ही उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जा मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और बोले, विप्रवरों हमें शीघ्र भोजन दीजिए। परंतु उनमें से कुछ द्विजनों ने तो उनकी बात ही नहीं सुनी और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रह गए। तब वे पाकशाला में गए जहाँ ब्राह्मणियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले, माताओं हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से आदर पूर्वक पूछा। ब्राह्मण पत्नियां बोली, समझदार बालकों तुम लोग कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है और तुम्हारे नाम क्या है। हम तुम्हें व्यंजन सहित नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी स्त्रिग्ध एवं हष्ट पुष्ट गोप बालक प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। बालकों ने कहा, माताओं हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है, हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, हमें भोजन दो, हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भांडीर वट के निकट मधुबन में बलराम और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं तथा भोजन मांग रहे हैं। माताओं आपको अन्न देना है या नहीं देना है ये शीघ्र हमें इसी समय बता दो। गोपों की बात सुनकर ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठीं, उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए, सारे अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन हों। उन्होंने सोने चांदी और फूल की थालियों में प्रसन्नतापूर्वक भांति भांति के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अगहनी के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्री कृष्ण के निकट प्रस्थान किया। वे मन ही मन नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुई। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत परायणा थी, इसलिए उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच बैठे थे, अतः तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था और शरीर पर रेशमी पीताम्बर से वे बड़े सुंदर लगते थे। मुख पर मंद मुस्कान खेल रही थी। शांत स्वरूप राधा कांत बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे तथा रत्न निर्मित दो कुंडलियों ने उनके गंड स्थल की शोभा बढ़ा दी थी। हाथों में रत्नमय केयूर और कंगन तथा पैरों में रत्न निर्मित नुपुर उनके आभूषण थे। उन्होंने गले में आजानुलंबिनी की शुभ्र रत्नमाला धारण कर रखी थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्षस्थल दोनों सुशोभित थे। चंदन, अगरु, कस्तूरी और कुमकुम से उनके श्रीअंग चर्चित थे। नखों और कपोलों का सौंदर्य देखने योग्य था। सुंदर लाल रंग के ओंट पके बिंब फल को लज्जित कर रहे थे। वे परिपक्व अनार के दानों की भांति सुंदर दंतपंक्ति धारण किए थे। सिर पर मोरपंख का मुकुट शोभा दे रहा था। कानों के मूल भाग में दो
कदम्ब के फूल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे परात पर परमात्मा योगियों के भी ध्यान में नहीं आने वाले हैं, तथापि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग तथा बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। विप्र पत्नियां बोली, भगवान, आप स्वयं ही परब्रह्म, परम धाम, निरीह, अहंकार रहित, निपुण, निराकार तथा सगुण साकार हैं। आप ही सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकार रहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति पुरुष तथा उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता कहे गए हैं, वे भी आपके ही सर्व बीजमय अंश हैं। परमेश्वर, जिनके रोमकूप में संपूर्ण विश्व का निवास होता है, वे महाविराट महाविष्णु हैं। और प्रभु, आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और तेजस्वी हैं, ज्ञान और ज्ञानी हैं तथा इन सब से परे हैं। वेद में आपको अनिवर्चनीय कहा गया है, फिर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है? सृष्टि के सूत्रभूत जो महत्व आदि एवं पंचतंत्र मात्राएं हैं, वे भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप संपूर्ण शक्तियों के बीज तथा सर्वशक्ति स्वरूप हैं, समस्त शक्तियों के ईश्वर हैं, सर्व रूप हैं तथा सब शक्तियों के आश्रय हैं। आप निरीह, स्वयं प्रकाश, सर्वानंदमय तथा सनातन हैं। अहो, आकारहीन होते हुए भी आप संपूर्ण आकारों से युक्त हैं, सब आकार आपके ही हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में जानते हैं तो भी इंद्रियवान नहीं हैं। जिनकी स्तुति करने तथा जिनके तत्व का निरूपण करने में सरस्वती जड़वत हो जाती हैं, महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधाता भी जड़तुल्य हो जाते हैं। पार्वती, लक्ष्मी, राधा एवं वेद जननी सावित्री को जड़ता को प्राप्त हो जाती हैं। फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं? प्राणेश्वरेश्वर, हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं? देव, हम पर प्रसन्न होइए, दीन बंधु कृपा कीजिए। यूं कहकर सभी ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणारविंदों में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख एवं नेत्रों से उन सबको अभयदान दिया। जो पूजा काल में विप्र पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणारविंदों में पड़ी देख श्री मधुसूदन ने कहा, देवियों, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर विप्र पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्ति भाव से इस प्रकार बोली। द्विज पत्नियों ने कहा, श्री कृष्ण, हम आपसे वर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा ये है कि आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो, अतः आप हमें अपना दास्य भाव तथा परम दुर्लभ सदृढ़ भक्ति प्रदान करें। केशव, हम प्रतिक्षण आपके मुखारविंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए। प्रभु, अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगी। द्विज पत्नियों की यह बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे बालकों की मंडली में बैठ गए। तदनंतर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विप्र पत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हैं, उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। वह रत्नों के भी खम्भों से आबद्ध है तथा उत्तम रत्नमय कलशों से वो भी उज्ज्वल जान पड़ता है। उसमें श्वेत चमर लगे हुए हैं, अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमान को पारिजात के फूलों की मालाओं के जाल से सजाया गया है। उसमें 100 पहिए हैं। मन के समान वेग से चलने वाला ये विमान बड़ा मनोहर है। वनमाला विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेरे खड़े हैं। उन पार्षदों ने पीताम्बर पहन रखा है। वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत नूतन यौवन से संपन्न श्याम कांति वाले परम मनोहर दो भुजाओं से युक्त तथा गोप वेशधारी थे। उनके हाथों में मुरली थी। उन्होंने मोर पंख और गुज्जा की माला से आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। वे रथ से तुरंत ही उतरकर श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़ जाएं। ब्राह्मण पत्नियां श्रीहरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल ही दिव्य गोपी हो गईं। तत्पश्चात श्रीहरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे और सब ओर उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दी। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों के मुख में और नेत्रों में प्रसन्नता खिल उठी।
संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनय पूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणों ने कहा, अहो तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है, हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्रीहरि की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्रीहरि ही हैं। जप तप व्रत ज्ञान वेदाध्ययन पूजन तीर्थ स्नान और उपवास सबके फलदाता श्री कृष्ण ही हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है। जैसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई वो दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है उसे यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है। जिसने समुद्र को पी लिया उसके लिए कुआं लांघने में क्या पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामनियों को साथ ले हर्ष पूर्वक अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीड़ा में तथा अन्य सब कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उनका अनुमान नहीं लगा पाते थे। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ शीघ्र ही अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्री हरि का संपूर्ण उत्तम महात्म कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने कहा, ऋषिन्द्र, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों तथा योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में ये पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से ये इस भूतल पर आई थी। मेरे इस संदेह का निवारण करने वाली बात कहिए। भगवान श्री नारायण बोले, नारद, ये देवियां सप्तऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थी। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया, इससे सप्तऋषियों में अंगिरा को बड़ा शोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष होने का तथा इन पत्नियों को मानुषी योनि में जाने का शाप दे दिया। वे सब रोती हुई बोली, हम लोग निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग न करें। आप हम डरी हुई अबलाओं को अभयदान प्रदान करें। इनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई, वे भी दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुषी योनि में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे यहाँ लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। अतएव ये मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान से भी उत्कृष्ट है। ऐसा कहकर वो मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुई और श्रीहरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गईं। निश्चित ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुष से प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि के दर्शन से सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गईं। इस प्रकार मैंने श्री हरि के उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की ये मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है। इसे सुनने वालों को कभी तृप्ति नहीं होती, भला श्रेय से कौन तृप्त हो सकता है। मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भवचरित्र सुना था उसका वर्णन किया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने कहा, कृपा निधान जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो जो मंगलमयी लीला सुनी है वे सब मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक, देवर्षि का ये वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्यान्य प्रसंगों का वर्णन आरम्भ किया।